चले करें शुरू क्लास को। तो देखिए आप लोग जो बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हो और आप में से काफी सारे लोग कोई यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तो आप कर रहे हो शायद, है ना, तैयारी। और तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज होती है जो सभी में इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए मतलब आती है। एंड आई एम टेलिंग यू कि जो मैं करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो 120% आपके एग्जामिनेशन में वही आने वाला है, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स, क्योंकि देखो द पॉइंट इज कि फैक्चुअल डिटेल्स जो होती हैं एक अलग रहती है करंट अफेयर्स से। जैसे कि अपना ये टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। किसी को पता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? क्या होता है बताओ? एग्जैक्टली, ब्लैक मनी को व्हाइट में ट्रांजेक्ट करना, ठीक है। कैसे होता है ये ट्रांजेक्शन? एनजीओ के थ्रू होता है, और एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए अभी कुछ रिसेंटली न्यूज थी। क्या न्यूज थी? एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, याद है कुछ? ये आया था बीच में करंट अफेयर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लिख लो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो ये रहा था कि काफी सारे एनजीओ ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट? तो जब ये ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा था तो नुकसान किसका होगा? सरकार का नुकसान होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट? करप्शन प्रैक्टिसेस ही हम लोग को देखने को मिलती हैं। आपके सिविल सर्विसेज में एक कोर्स है हवाला, किसी को पता है हवाला के बारे में? लेन देन होता है क्या ये? अच्छा, अपन हवाला के थ्रू बड़े बड़े अमाउंट जो होता है वो जैसे इंडिया से यूएसए भिजवा देते हैं, आपने सुना होगा कि हवाला के थ्रू अमाउंट को इंडिया से यूएसए में भिजवा दिया गया। क्या ये एक्चुअल में अमाउंट जो होता है वो क्या ये एक्चुअल में जो है वो किया जाता है क्या, भेजता है? ढीला है क्या? अच्छा, क्या कर दे, ये बंद कर दे, कहां पर है ये वाला बटन है क्या? हो गया था, ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट हवाला। तो हवाला के थ्रू पैसा जो होता है वो क्या एक्चुअल में रियल में ट्रांसफर होता है? गाड़ी में ले आके पैसों को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, कैसा सिस्टम होता है ये? एग्जैक्टली, हवाला जो होता है, जैसे कि जब आप सिविल सर्विसेज क्रैक करोगे, आईएएस आईपीएस बन जाओगे, तब आपके पास ही हवाला के कॉन्टेक्ट होंगे काफी सारे, राइट? तो हवाला में एक चीज याद रखना, कभी भी पैसा जो होता है ना वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे नहीं जाता। ये पूरी डील्स होती है ऑन फोन कॉल्स डील्स होती है। जैसे कि यहाँ पर आपके एक अकाउंट बन जाता है हवाला के एजेंट का, कि उसको बोल दिया गया कि 1 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में है, तो यूएसए में यूएसए से उसने 1 करोड़ लिया, तो दैट मीन्स यहाँ पर माइनस हो गया उसका, जब भी वो भिजवाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, राइट? तो ये चीज रहती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में हम लोग को मेन चीज क्या देखने को मिलती है कि ब्लैक मनी को कन्वर्ट किया जाता है व्हाइट मनी में। किसी को ये शेल कंपनीज के बारे में पता है? शेल कंपनीज क्या होती है? एग्जैक्टली, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, शेल कंपनीज, ठीक है। तो ये शेल कंपनीज भी लिख लो अपने नोट्स पे, शेल कंपनीज। अब देखो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के थ्रू हुआ ये था कि जो एनजीओस वगैरह जो होते हैं उनको मैंडेटरी कर दिया गया था कि वो एसबीआई की एक अपनी ब्रांच जो है वो न्यू दिल्ली में ओपन करें, राइट? क्यों क्यों बोला गया? क्योंकि एसबीआई की एक ब्रांच अपनी, मतलब न्यू दिल्ली की एसबीआई की ब्रांच में आपको एक अपना अकाउंट जो है वो ओपन करना है। क्यों कहा गया? व्हाई? सिंपल चीज है, रेगुलेट करने के लिए कि वहां से जो पैसा आएगा तो एक अथॉरिटी एक ही जगह पर उसको देख सके, राइट? तो ये चीज होती है। अभी देखो न्यूज जो है ये आई थी कि जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, अब इनको जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया। तो ये न्यूज है। क्यों शामिल किया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत? सोचो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है? ऑडिटिंग करना, राइट? जैसे कि मेरा कोई बिजनेस है, मैं सीए के पास जाता हूं कि मुझे इतना टैक्स वगैरह फाइल करना है, तो आपको एक चीज बताऊं कि सीए जो है वो थोड़ी बहुत छेड़खानी करके मेरे एक्सपेंडिचर दिखाकर टैक्स बचा लेता है, तो ये कौन सी प्रैक्टिस हो रही है? ये कहीं ना कहीं इलीगल, और इसके थ्रू सरकार के पास क्या नहीं आ रहा? टैक्स नहीं आ रहा, राइट? सिंपल सी चीज है। और सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो न्यूज जो थी वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड थी, तो जिसमें जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरीज जो है, उनको बेसिकली अपना केवाईसी जो है वो करवाना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को रोकने के लिए। किसी को एफएटीएफ के बारे में पता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ लिख लो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ, वेरी इंपॉर्टेंट, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
ये एक ऐसी टास्क फोर्स है जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट करती है। इसने अभी, इसकी एक न्यूज लिख लेना, इसने अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, है ना। इनकी तीन लिस्ट होती है जनरली जो न्यूज में आती है, वो दो ही लिस्ट बताई जाती है, एक ब्लैक, बार बार गड़बड़ कर रहा है, एनीवेज छोड़ो, ध्यान सुनो, एक जो होती है ब्लैक लिस्ट होती है और एक ग्रे लिस्ट होती है। राइट, तो इंटरपोल में चले गए आप शायद इंटरपोल से कंफ्यूज कर रहे हो, एक रेड, इसकी ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है, ये दो चीज लिख लेना। एफएटीएफ के अंदर दो लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है, और एक और लिस्ट होती है डार्क ग्रे, ग्रीन नहीं, एक ग्रे और एक ब्लैक और एक बीच वाली डार्क ग्रे। अब ये होता क्या कि काफी सारी कंट्रीज होती हैं जिन कंट्रीज के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पैसों का जो रोटेशन होता है, राइट, मनी जो है उसका ट्रांजेक्शन जो होता है उसका इनके पास रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान टेररिस्ट फाइनेंसिंग करता है, राइट, जितना भी उसका पैसा है उसको हाइड कर देता है और वो टेररिस्ट को फंड करता है। तो ये एफएटीएफ ऑर्गेनाइजेशन ये चेक करता रहता है कि कौन सी कंट्रीज के अंदर इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, राइट। तो ये एफएटीएफ का, अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि एफएटीएफ अब करता क्या, किसी कंट्री को उसने ग्रे लिस्ट में रखा तो दैट मींस की फर्स्ट वार्निंग दे दी, और उससे होता यह कि दूसरी काफी सारी एमएनसी जो होती है, एमएनसी समझते हो मल्टीनेशनल कंपनीज, वो इस पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं करती। क्यों ऑपरेट नहीं करती, क्यों, मतलब ग्रे लिस्ट में, बट ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को एक ग्रे लिस्ट में डाल दिया, बट दूसरी एमएनसी क्यों नहीं कर रही है अब ये नहीं, अब बात आप समझे नहीं। अच्छा मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी में लगातार पुलिस की रेड पड़ रही है, आप मेरे पार्टनर हो, क्या आप मेरे साथ ऑपरेट करोगे? क्यों, क्योंकि आपके पास भी पुलिस आ जाएगी ट्रांजेक्शन करने, तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, राइट, और यही कॉन्सेप्ट की आपको रिक्वायरमेंट है। तो न्यूज बस इसके अंदर छोटी सी थी कि अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज हैं अब ये भी किसके अंदर चले गए हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर चले गए। तो बात समझ में, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, हाँ रजिस्टर्ड, मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अपनी फाइलिंग जो है पहले रजिस्टर करना पड़ेगा इस कानून के तहत, और उनको जो गाइडलाइंस दी जाएगी और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ वो भी सब कुछ, यानी कि देखो क्या होता है, एक केवाईसी के बारे में आपको पता है, केवाईसी फॉर्म वगैरह होते हैं, नो योर कस्टमर फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, अब उनको केवाईसी मतलब अपना कंप्लीट करके शो करना पड़ेगा कि हम ये बिजनेस को वो ऑपरेट कर रहे हैं, प्राइवेट ऑल्सो, राइट, ये जरूरी है कि सिर्फ सरकारियों के लिए, प्राइवेट के लिए भी है। ठीक है, क्लियर हुई वाली बात है, हवाला सिस्टम क्लियर हुआ, एफएटीएफ क्लियर हुआ, एनजीओ का जो ये एफसीआर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये एक टॉपिक था, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देखो रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल बोलते हैं इसको, ठीक है, सिंसाइटियल वायरस। तो अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी इसकी क्या हुई, वैक्सीन जो है वो डेवलप करी है इस वायरस की, जो है अभी रिसेंटली वैक्सीन डेवलप करी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वायरस किससे रिलेटेड है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स का इशू है ना, लंग्स का इशू, राइट। तो देखो पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो टॉपिक आधे से ज्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं ना, उसके नाम में ही पूरी चीज छुपी होती है, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, नाम से ही हमारा 50% टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेटरी इशू, लंग्स का इशू। इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक ये छोटे बच्चों को होता है जिनको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं, क्या, इन्फेंट, छोटे बच्चों को होता है, और ये ओल्ड एज वाले लोगों को जो है ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, राइट, ये वायरस है एक प्रकार का, राइट। अब रेस्पिरेटरी वायरस दैट मींस कि जैसे कि खांसी के थ्रू, कफ के थ्रू, राइट, स्नीजिंग के थ्रू, छींक के थ्रू जो है वो रिलीज होता है। तो ये चीज आप लिख लो अपने पास, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस RSV, इसकी वैक्सीन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो डेवलप कर दी है, मतलब एक्चुअली यूके ने जो है वो उसको डेवलप करी थी और यूएसए ने जो है वो इसको अप्रूव जो है वो अब कर दिया है। क्या चीज, ये वैक्सीन नहीं, कब, देखो क्या होता है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहां पर ये वायरस जो है वो रिलीज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो एक रेगुलेटर है, मतलब इन द सेंस कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, अब आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आप देख रहे हो कि यार इस प्रकार की वायरस जो है वो रिलीज हो रहा है, तो आप उससे पहले प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को लगा दोगे, ये मैंडेटरी नहीं है अभी एट प्रेजेंट, राइट। तो ये कॉमन वायरस हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, बट इसके कारण डेथ तक जो है वो हो जाती है, मॉर्टेलिटी के केसेस में हम लोग को देखने को मिलते, तो ये बस वैक्सीन का नाम ध्यान में रखना। क्या बात, आपसे रेस्पिरेटरी ना पूछे, सिर्फ ये पूछ ले कि सिंसाइटियल जो वायरस है वो क्या है, तो एटलीस्ट आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि रेस्पिरेटरी वायरस ही हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अभी आ गया वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा सभी एग्जामिनेशन में, वन डे एग्जामिनेशन में ऑल्सो, कि वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जो है वो किससे
रिलेटेड है, राइट? तो ये डिक्लेरेशन किसके बीच में हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। तो ये चीज लिख लो आप, क्या बोल रहा है चाइना। अब देखो ये है कंसेप्ट वाली चीज, ये समझने वाली चीज है ये। अब ये डिक्लेरेशन है क्या, वो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, यू नो अबाउट इट, न्यूक्लियर वेपन्स है ना। अब देखिए आप, आपने कभी P5 के बारे में सुना है? P5 नेशंस के बारे में, चलो अब करेंगे आगे चल के इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में कभी सुना? यूनाइटेड नेशन के बारे में, उसका सिक्योरिटी काउंसिल होता है, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इससे रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर स्पेशली, और जैसे आपका बैंकिंग SSC है उसमें डायरेक्ट पूछ लेंगे कि P5 नेशंस है वो कौन से हैं जो कि न्यूक्लियर अपने पास पोजेस करके रखते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस अपने पास करके रखते हैं। हाँ, पांच देश हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं जिनके पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास नहीं, बट ये सिर्फ पांच देश नहीं है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है, बट वो P5 के अंदर जो है वो नहीं आती। ये P5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब वो आगे चल के जब UNSC का टॉपिक आएगा तब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके 10+5 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो एक अलग डिफरेंट जो है वो टॉपिक है। अब मैं आपको जनरल बता रहा हूँ जैसे न्यूक्लियर वेपन्स। अब क्या अभी आप थोड़ा सा इंटरनेशनल इशू के बारे में हल्की फुल्की जानकारी है कि पैसिफिक ओशियन में क्या चल रहा है? अच्छा ये तो पता होगा इंडिया और चाइना के बीच में टकरार, सॉरी USA और चाइना के बीच में टकरार हम लोग को देखने को मिलती है। इनके बीच में कोल्ड वॉर चला था और ट्रेड वॉर, ये ट्रेड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में ट्रेड वॉर चला था। ये दोनों आपस में कट्टर दुश्मन है। क्यों कट्टर दुश्मन है कोई बता सकता है? एक सिंपल, दोनों एक सुपर पावर बनना चाहते हैं। किसी को पता है कि चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड। ये सब चीजें तो अभी आपको पता होनी चाहिए, बहुत पुराने मुद्दे हैं और ये रेगुलर न्यूज में है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, कोई बात नहीं, विद इन अ मंथ इतना नॉलेज आ जाएगा आप लोग के पास कि आपको खुद मजा आएगा। बेल्ट, BELT, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसको बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता है। वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता है। चाइना का ये इनिशिएटिव है। किसका है? चाइना का। अभी इनिशिएटिव में होता क्या है? सब ऊपर से आ रहा है। अभी करंट अफेयर्स ही यहाँ पे पता है यहाँ पे। अच्छा अभी दो से चालू हुई है, चलो कोई। तो अभी आप प्रिपरेशन आप लोग की कब से चल रही है, मतलब आप कब से प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हो? अच्छा क्या, वेरी नाइस, ठीक है। और कोई सीनियर प्रिपरेशन में? ठीक है, टारगेट क्या सेट करके रखा है कि कब तक क्लियर करना है एग्जाम को? इसी बार नहीं, कोई ना कोई टारगेट सेट किया होगा। जैसे आप लोग का बैंकिंग एग्जामिनेशन है, मेरे ख्याल से हर 3-1 महीने में होता है वो, तो बैंकिंग एग्जामिनेशन है ना। और कितना लंबा कोर्स जो है वो चलाते हैं बैंकिंग का? 4 मंथ्स में पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। और सिविल सर्विसेज तो 12 महीने चाहिए, SSC को भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 11-12 महीने का कोर्स आपको चाहिए। करेंट अफेयर्स में तो कमांड रखनी पड़ेगी, लाइक 1-1.5 ईयर्स यू नो की रखना ही पड़ेगा करेंट अफेयर्स के अंदर, क्योंकि ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं, ये हॉट टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे 120%। एंड अब देखो मेन चीज क्या, सबसे पहले तो अपने माइंड को आप सेट कर लो कि यार जैसे आपका 3-4 महीने के बाद आपका एग्जाम आना है, आपका 12 मंथ्स के बाद आना, ग्रेजुएशन हो गया है ना अब। अच्छा अंडर ग्रेजुएट हो गया, फाइनल ईयर हो, तो अपने पास फिर एक आधी साल है फिर अपने पास अच्छी से तैयारी करने के लिए फिर तो, है ना, फर्स्ट ईयर, अच्छी बात है। फिर मतलब कितने अटेम्प्ट में फिनिश करना है एग्जाम को, कितने अटेम्प्ट में मतलब एग्जाम क्वालिफाई करना है? लास्ट अटेम्प्ट में करना है, क्योंकि हमारा पहला ही लास्ट होने वाला है। ये सोचो ना भाई, अटेम्प्ट क्या होता है, फर्स्ट शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट भाई, उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ना यार। ये क्यों सोचना है कि हमें हमारे पास अटेम्प्ट नहीं हो, जहां पे अटेम्प्ट दिमाग में आ गया वहां गेम ओवर, आपके लिए अटेम्प्ट कुछ होता नहीं है। द फर्स्ट शुड बी द लास्ट, कुछ नहीं है प्रिपरेशन के लिए, बस एक ही चीज पर फोकस करना है, माइंड सेट, दैट्स इट, क्लियर रखो। और किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है? एनीवन नोज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? पता है कैसे काम करता है? ये कुछ फनी टाइप का नहीं लगता, जो सोचोगे वो चीज आने लगेगी, नहीं है ऐसा? है कौन कौन मानता है ऐसा? आप लोग नहीं मानते? द सीक्रेट, मैं 2020 की बात है, मैं बाइक छोड़ भी नहीं पाता था, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब चलने लगा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में वर्क करता है, मतलब अगर आप आज से सोच लो कि जैसे कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक जिस भी एग्जामिनेशन की, आप एक डेट डालो
ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बताऊँ, अफर्मेशंस होते हैं, मैनिफेस्टेशंस होते हैं, अफर्मेशंस होते हैं, उस पर आपको काम करना है. एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स. अच्छा सबकॉन्शियस माइंड तो अपन हाँ नहीं वो रखना पड़ता है, मतलब बिकॉज जैसे कि अब मैं अपना पर्सनल केस बताऊँ, मुझे जब पेन होता था मैं हर दिन बोलता था मुझे पेन ही नहीं है, कोई पूछ रहा है, क्योंकि इतना पेन कि मैं हिल भी नहीं पाता था, इट्स लाइक दैट, मैं करवट नहीं ले पाता था, मैंने बोलना शुरू कर दिया मुझे पेन नहीं है, मुझे पेन नहीं है, मुझे पेन नहीं है, हो भी रहा है फिर भी. अब फॉर यू गाइज, जैसे आप तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, 2024, 2025, 2026 जिसका भी आप टारगेट जो है वो लेके चल रहे हो, जैसे 2025 हम मान लेते हैं, आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, नाम के आगे आईएएस लिख दो और वहां पे चिपका दो डेट के आगे कि इस डेट तक मुझे ये चाहिए. आप जिस भी बैंक की तैयारी कर रहे हो, जिस भी पोजीशन के लिए, वो अपने नाम के आगे वो पोजीशन लगा दो और डेली उसको देखो. और जब उस चीज पर आप काम करोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो उस डायरेक्शन में चलने लगेगा, क्योंकि वो आपका माइंड आपको फोर्स करेगा कि ये मुझे करना है, मतलब करना है, ये चीज अचीव करनी है. और ये होती है पॉसिबिलिटी, मतलब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ विद इन 1 or 2 months आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि दिन भर आप उस चीज के बारे में सोचोगे. जैसे कि आपको एक ऑफिसर बनना है, दिन भर आप सोच रहे हो कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, तो आप दुनिया को उस नजरिए से देखोगे, एक ऑफिसर की नजरिए से. अच्छा कोई भी एक व्यक्ति जो ऑफिसर रहता है, आपने कभी नोटिस किया होगा जब वो अंदर घुसता है रूम के अंदर, तो बताने की जरूरत नहीं होती कि वो ऑफिसर है, लोगों को खुद से पता लग जाता है कि यार ये कुछ है. तो वो ऑरा यू हैव टू क्रिएट दैट, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज. नॉलेज की जरूरत नहीं, एक माइंडसेट की जरूरत है, क्योंकि जब वो माइंडसेट आपका एक्टिवेट रहेगा तब आप एग्जाम ऑटोमेटिकली क्लियर कर जाओगे. एंड दैट इज ट्रू. ये बात मुझे पहले बकवास लगती थी, ये फालतू की बात है, बट ये वर्क करती है, इस पे काम करो. तो हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे थे, चाइना का एक इनिशिएटिव है. इस इनिशिएटिव के थ्रू चाइना क्या करेगा, 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर लेगा. कौन से कॉन्टिनेंट? एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. ये 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या करेगा, कब्जा कर लेगा. पहला पॉइंट, किस तरीके कब्जा करेगा, ये रोड बनवा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ये रोड बनवाएगा और ये सी रूट एस्टैब्लिश करेगा, ये रोड बनाएगा और ये सी रूट एस्टैब्लिश करेगा. क्यों रोड बना रहा है चाइना, सोचो. कनेक्टिविटी, ट्रेड. चाइना मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है ना, चाइना से ही तो सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो आते हैं. ये बात सभी को पता है, हर एक चीज देखो आप, प्रोडक्ट्स होते हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाले प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स, राइट. तो ऐसे चाइना बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है. अब उसको चाहिए एक बड़ा मार्केट. अब ये 3 अपने रोड जब बनाएगा तब वो क्या करेगा, उसको एक मार्केट मिल जाएगा. वो कंट्री से बोलेगा देखो मैं रोड बनवा के दे रहा हूँ, पार्टनरशिप करो और मुझसे प्रोडक्ट खरीदो. तो अब एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को प्रोडक्ट बेचेगी तो उस कंट्री के पास क्या आएगा, पैसा आएगा. पैसा आएगा तो वो कंट्री इकोनॉमिकली पावरफुल बनेगी. एक रूल होता है, शायद आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें एक रूल आपको E=E का पता होगा, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर. एक कंट्री को अगर बड़ा बनना है तो इकोनॉमी उसको बढ़ानी पड़ेगी. और एक और रूल होता है, इकोनॉमी कहां से आएगी, एक्सपोर्ट करने से आएगी, इकोनॉमी इक्वल्स टू एक्सपोर्ट. ये बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तब उस समय ये रूल बहुत काम करता है, क्योंकि यूएसए सुपर पावर कैसे बना, इकोनॉमी, इकोनॉमिकली वो काफी पावरफुल है, दैट्स व्हाई. अब चाइना क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इकोनॉमिकली पावरफुल बन जाएगा. अब एक इशू क्या है, चाइना के बारे में हमने सुना है कि चाइना धोखेबाज है, सुना है कभी, चाइना स्पाई करता है, निगरानी रखता है. आपको पता है हुआवे करके एक कंपनी है, हवाई हवाई अपन बोलते हैं जो मोबाइल फोन वगैरह आते हैं, राइट, हुआवे. तो हुआवे जो कंपनी है, जब 5G कहीं पर भी नहीं आया था, हुआवे कंपनी चाइना की कंपनी है, हुआवे ने बोल दिया था कि 5G हमारे पास है, इक्विपमेंट हमसे ले लो, हमने मना कर दिया और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ने मना कर दिया. क्यों? स्पाई, निगरानी रखता है वो. अब आप सोचो, बेल्ट पे मैं अपनी रोड बना रहा हूं, सिक्योरिटी मैं अपनी लगाऊंगा, तो दैट मीन समझ लो 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर चाइना की सिक्योरिटी, चाइना जिस पे भी अटैक करना चाहेगा अपनी सिक्योरिटी को कहीं से भी मोबालाइज करके अटैक कर देगा. तो इतना डेंजरस बनने वाला है इन फ्यूचर चाइना, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. दैट इज करंट अफेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे. तो सोचना है अपन को, मेनली सिर्फ पढ़ना नहीं है, न्यूज नहीं पढ़नी, रटनी नहीं है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना है, राइट. अच्छा अब एक और इशू है, अभी बता रहा हूँ इसी पे आने वाला हूँ मैं. ये चाइना बैठा है ना कि मेरे को तो धक धक हो रहा है, अब क्यों हो रहा है वो मैं बताऊंगा अभी आपको. पहले ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझो कि चाइना का प्लान पहले हमें समझना है. इट्स नॉट अबाउट न्यूज, इट्स अबाउट बैकग्राउंड. कि जब तक आपको बैकग्राउंड समझ में नहीं आएगा तब तक अभी क्या हो रहा है वो कैसे समझोगे. ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन में पढ़ा के चले जाऊंगा, बता दूंगा ये हुआ, बट उसका बैकग्राउंड जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक थोड़ा आगे की कहानी समझ में आएगी. यू हैव टू
एक चैनलाइज तरीके से आपको चीजों को कवर अप करना है। अब देखो अभी हमने क्या क्या चीज डिस्कस करी, तीन कॉन्टिनेंट्स पे चाइना कब्जा कर रहा है राइट, ट्रेड बढ़ाएगा उसके पास आएंगे पैसे राइट, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। बट उसने बोला मेरा रोड है, मेरा सी रूट है, तो मतलब सिक्योरिटी मेरी। अच्छा अब काफी सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं यूरोप में, अपना श्रीलंका को देख लो, अभी श्रीलंका की स्थिति खराब हुई थी, पता है सबको क्यों हुई थी, डेट कर्जे में चला गया था, क्यों गया। अब देखो अब मैं एक और इशू बताता हूँ, चाइना ने क्या बोला, छोटी कंट्रीज ने बोला अरे मेरे पास पैसे नहीं हुआ, तो चाइना ने बोला मैं देता हूँ लोन, टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझसे लो लोन। तो चाइना ने उस कंट्री को लोन दे दिया। अब आपको एक जनरल थिंकिंग आपको पता है, अगर हम किसी से लोन ले लेते हैं, हमने किसी से कर्जा ले लिया, दैट मीन्स कि अगर वो हमें फेवर मांगेगा तो हमें देना पड़ेगा फेवर। मतलब यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे चाइना के सबके सब फेवर में चले जाएंगे। तो ये एक इशू है, जो चाहेगा चाइना वो उससे करवा सकता है उस पर्टिकुलर कंट्री से। तो दिस इज द खतरा सबसे बड़ा यूएसए को, तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि उसकी सुपर पावर जो है वो छिन रही है राइट, इसीलिए तो यूएसए का इंटरेस्ट पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा आ गया है, जस्ट बिकॉज टू काउंटर चाइना। आपने क्वाड के बारे में सुना है, क्वाड QUAD क्वाड ग्रुप है एक काफी इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं सीखोगे सब सीखोगे। फोर कंट्रीज हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये चार कंट्रीज का ग्रुप है टू काउंटर चाइना, चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर पूरे क्षेत्र में जो है वो चाइना का मूवमेंट रहता है। चाइना तो इतना बदमाश है कि ये कई बार अपनी सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया तक लेकर चला जाता है बिल्कुल पूरा पावर के साथ, और गोल घूम के आ जाता है, उसको पैनिक करता है ऑस्ट्रेलिया को। किसने, श्रीलंका ने। एक कंट्री जब ऑलरेडी डेट में होती है, अब आप थोड़ा सा आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत, 1990 में इंडिया का क्या केस हुआ था, एलपीजी, यू नो अबाउट इट, क्या चीज है, फुल फॉर्म प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमें किसने लोन दिया, हमें यूएसए ने थोड़ा दिया, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने हमें लोन दिया विद कंडीशन कि आपको ये ओपन करना पड़ेगा, आपको अपने मार्केट ओपन करना पड़ेगा। इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जब इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आया था, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में जो पड़ गए थे राइट, शायद पता हो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या था। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हमारे पास पैसा ही नहीं बचा था दूसरी कंट्री को देने के लिए, तो हमें चाहिए था लोन। अब कोई भी बैंक लोन तब देता है जब उसको सिक्योरिटी होती है कि हमें, नॉर्मल सी चीज है ना यार, मुझे अगर किसी बैंक को लोन लेना है बैंक से, तो बैंक क्या बोलेगी, तुम्हारी सैलरी कितनी है पहले ये बताओ, उस आधार पर लोन मिलेगा। आपने जो पूछा कि श्रीलंका क्यों लोन नहीं दे रही, बिकॉज श्रीलंका को ऑलरेडी लोन मिल चुका है, वो खुद ही रीपे नहीं कर पा रही है, दैट्स व्हाई। अब उसका क्राइसिस इतना बुरी तरीके से जो है अटक चुका है आज की डेट में, इवन पाकिस्तान ऑल्सो, बट पाकिस्तान को फंड कर रहा है चाइना, और इवन श्रीलंका को भी अब फंड कर रहा है चाइना। श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट हम लोग को देखने को मिलता है जो हमारे इंडियन इंडिया की जो बाउंड्री है, जो आप नीचे तमिलनाडु की तरफ देखेंगे तो वहीं के नजदीक एक पोर्ट है, एक छोटा सा आइलैंड, वहीं पर ही चाइना जो है अपना पूरा बेस जो है वो क्रिएट कर रहा है, एंड दैट इज, बट वो बना रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है, हम काउंटर नहीं कर पा रहे क्योंकि एग्रीमेंट हो गया उसका, और उसी के काउंटर में हमने जो है वो पेट्रोलियम, एक ऑयल की डील जो है वो इससे करी है श्रीलंका से, जहां पर उसका रिजर्व जो है वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम बात करेंगे इसके बारे में, क्लियर हुआ कि क्यों नहीं मिला श्रीलंका को। तो देखो ये सब इश्यूज एक ऐसे इश्यूज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला साउथ कोरिया को, चलो भाई अपन मिलते हैं और एक डील करते हैं, मैं तुम्हें न्यूक्लियर सप्लाई करूंगा, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मशीनरी, बट विद कंडीशन कि आप न्यूक्लियर बनाओगे नहीं, मैं आपको न्यूक्लियर सबमरीन दूंगा, न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड कराऊंगा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराऊंगा, बट आप खुद से बनाओगे नहीं, खुद से पोजेस नहीं करोगे, कहीं और से नहीं खरीदोगे, जो भी लेना है मुझसे लो। क्यों कर रहा है ये यूएसए? अब देखो मैप में आओ, सिंपल सी चीजें होती है मैप राइट, मैप के थ्रू आपको क्या समझ में आ रहा है, ये बैठा हुआ है चाइना और ये कौन है। अब अगर यूएसए अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहां पर डाल देगा, अपने वेपन्स यहां पर डालेगा, तो किसको काउंटर कर सकता है यूएसए? यहां बैठ के चाइना को काउंटर कर सकता है राइट। सो द मेन गेम इज ज्योग्राफी भाई। अब आप देखो चाइना जो है, अब जैसे मैंने भी आपको इसके बारे में पढ़ाया, ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, इसका है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये वन बेल्ट वन रोड का ही एक्सटेंशन है। पाकिस्तान जो हमारा जो एलओसी वाला जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है राइट, कौन सी बॉर्डर है एलओसी की, एलओसी किसकी बॉर्डर है,
इंडिया पाकिस्तान ना, हाँ इंडिया पाकिस्तान, इतना स्लो क्यों हो रहे हो यार? अच्छा फर्स्ट हाफ के बाद खाना वाना खा लिया, थोड़ी सी नींद नींद आ रही है, सो जाते हैं थोड़ा। हाँ सो तो क्या क्या था कि वहां पे हम लोग को देखने को मिलता है कि एक है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके बारे में सुना होगा, कश्मीर को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर दिया, वहां से ये रोड निकाल रहा है और उसको हम कंटिन्यूअसली चैलेंज कर रहे हैं कि भाई ये चीज मत करो तुम, राइट? तो ये उसी का एक्सटेंशन हम लोग को है वो देखने को रहा है। अब चाइना क्यों फेवर कर रहा है पाकिस्तान को, क्या मजा आ रहा है उसको पाकिस्तान को फेवर करके? इंडिया, क्योंकि उसको काउंटर करना है इंडिया को। तो सेम चीज है ना, यूएसए क्यों यहां पर घुस गया साउथ कोरिया, चाइना को काउंटर करने के लिए, सिंपल एज दैट, ठीक है? तो अब जब भी कोई भी डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ो, कोई भी एग्रीमेंट के बारे में पढ़ो, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि एग्रीमेंट क्यों हुआ, राइट? क्योंकि सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ने, आपसे इंटरव्यू में कभी कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब दोगे? तो आपको पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, दैट इज द प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, बोर तो नहीं हो रहे? अब देखो मणिपुर के बारे में पता है, मणिपुर में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं, बहुत बड़ा इशू चल रहा है मणिपुर में। कहा है भाग के आ गए? क्यों, क्या चल रहा है, कुछ इशू बताना चाहिए, बहुत पुराना इशू है, तो दो तीन हफ्ते हो गए। यहाँ पर एक कम्युनिटी है, मीटी कम्युनिटी, इनको जो है वो चाहिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, मतलब दे आर डिमांडिंग द स्पेशली शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। तो ये एक इशू हम लोग को जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर दो और कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, नागास और कुकीज। तो ये कम्युनिटी के यू के आई और नागास, ये जो है वो इनको काउंटर जो है वो कर रहा है, राइट? तो यहाँ पर क्या होना शुरू हुआ, आप देखो कम्युनिटी के कारण, जैसे होता है ना ओबीसी को लेकर भी बहुत ज्यादा इश्यूज है वो चले थे, राइट? काफी वायलेंट भी हो गई थी चीजें, वही सेम चीज अभी मणिपुर में जो है वो चल रही है। अब मणिपुर में जब ये चीज चल रही है तो आर्टिकल 355 को इम्पोज करने की बात की गई। इमरजेंसी के बारे में किसी ने पढ़ा? पॉलिटी के अंदर पढ़ोगे, कवर अप करेंगे हम लोग। तीन प्रकार की इमरजेंसी होती है, कौन सी प्रेसिडेंट रूल। नेशनल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल 360 है ना। तो ये फैक्ट अपन को पता होना चाहिए, ये चीज आएंगी एग्जामिनेशन में। अब मणिपुर के अंदर आर्टिकल 355 की बात हुई तो एग्जामिनेशन में मणिपुर का इशू शायद ना पूछे आपसे, पूछ ले बताओ इस इमरजेंसी के बारे में। जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो तीन ग्राउंड्स पे लगती है, कौन से तीन ग्राउंड्स हैं? आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन पहला ग्राउंड, दूसरा ग्राउंड एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा ग्राउंड वॉर, 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 आर्म्ड रेबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। इन तीन ग्राउंड्स के आधार पर नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंपोज हो जाती है। पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटी के अंदर नेशनल प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीन इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल कब लगती है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, और कैसे फेल होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसका मतलब क्या हुआ? मैं वही बता रहा हूं, स्टेट की पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, आपको बताऊंगा। पुलिस जो है उस पर रूल्स रेगुलेशन कौन बनाती है? स्टेट बनाती है। डोंट वरी, अभी देखो ये सब अपन बेसिक से ही कवर अप करेंगे पॉलिटी में, बिल्कुल इनिशियल बेसिक से, एक डेढ़ महीने में पूरा पॉलिटी ऐसा हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा, दैट इज 100% श्योर। देखो अगर होता क्या, बहुत सिंपल चीज है, एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर आईएएस ऑफिसर काम नहीं कर रहे, उस स्टेट के अंदर पुलिस जो है वो हैंडल नहीं कर पा रही सिचुएशन को, आईजी है हैंडल नहीं कर पा रहे सिचुएशन को, उस स्टेट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? मिनिस्टर, जिसके पास मिनिस्ट्री का चार्ज होता है, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं ना स्टेट के, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या सीएम की बात कर लेते हैं, सिंपल शब्दों में संविधान का पालन नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर। कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी जो होती है, मशीनरी का मतलब ये नहीं कोई मशीन की बात होगी, मशीनरी ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस इन लोग जो है वो कहा जाता है, राइट? तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो रहा है, दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं चल रहा, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर लो और स्थिति को ठीक कर लो, राइट? तो ये चीज होती है, पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, पॉलिटी पढ़ेंगे।
तो ये होता है एक इमरजेंसी। अब इसी के आगे ये बोलता है ये सेंटर की ड्यूटी है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करके रखना, ये सेंटर की केंद्र की ड्यूटी है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करके रखना। किस चीज से प्रोटेक्ट करके रखना, कि स्टेट किसी भी मतलब क्राइसिस ना हो स्टेट के अंदर, वॉयलेंस ना हो। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, वॉयलेंस हो रहा है। अमित शाह ने कह दिया कि इनका कोई वो नहीं है इंटेंशन प्रेसिडेंट रूल लगाने का एट प्रेजेंट, ठीक है। और तीसरी होती है स्पेशल इमरजेंसी, जब हमारी कंट्री के अंदर स्थिति खराब हो जाए, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा फीसदी बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, राइट, तो उस समय हम लोग उस चीज को कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो इम्पोज करते हैं, राइट। डोंट वरी, बहुत इजी टॉपिक्स हैं ये सर। हाँ, पूरे देश पे क्यों इसलिए लगता है पूरे देश पे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि वो पूरे फाइनेंस जो होता है पूरे देश का इशू है। अब अगर स्टेट की बात करें, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर स्थिति फाइनेंशियली खराब हो रही है, तो वो सेंटर की ड्यूटी उनको ग्रांट्स प्रोवाइड कराती है। आपने ग्रांट्स अनुदान के बारे में कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ग्रांट्स जो होते हैं वो एक अमाउंट होता है जो सेंटर स्टेट को प्रोवाइड करा रही है, राइट। तो ये है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में ये थोड़ा ना पढ़ना कि मणिपुर में क्राइसिस आ गई, थोड़ा पूछेंगे वो, पूछेंगे आर्टिकल 355 क्या होता है, वो भी नहीं पूछा तो पूछ लेंगे इमरजेंसी के बारे में बताओ, फिर लोग बोलते हैं ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो करंट अफेयर्स में था ही, करंट अफेयर्स में है ही। तो अपन जिस हिसाब से पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरी चीज है वो कवर अप करेंगे, करेक्ट। हैवी तो नहीं हो रहा, रिलैक्स। अब सुनो, म्यांमार हमारी नेबरिंग कंट्री है ना। अब म्यांमार के अंदर किसी को पता है कुछ क्राइसिस चल रहा है, कुछ इशू चल रहा है म्यांमार के अंदर? म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप, क्या होता है मिलिट्री कूप? तख्ता पलट, बोलते ना हम लोग कि वहां की मिलिट्री ने वहां की सरकार को हटाकर कब्जा कर लिया है, जैसे पाकिस्तान की तरह, है ना, सेम वही म्यांमार के अंदर चल रहा है। अब म्यांमार में हमने बहुत पैसा लगाया हुआ है, क्यों लगाया? यहाँ पर एक सिटवे पोर्ट है, पोर्ट का नाम याद रखना, क्वेश्चन बनेगा सिटवे पोर्ट कहाँ का है बताओ, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। म्यांमार सिटवे पोर्ट, SITWE सिटवे, सिटवे पोर्ट, ये म्यांमार में हम बना रहे हैं। जैसे ईरान के अंदर हम लोग ने छाबर पोर्ट बनाया, वैसे यहां पर हम लोग सिटवे पोर्ट बना रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा सिटवे पोर्ट कहाँ का है, सिटवे पोर्ट इज फ्रॉम बिलोंग्स टू म्यांमार। तो ये कोलकाता से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं यहां पे SITWE, तो हम लोग जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं कोलकाता को म्यांमार से, सिटवे पोर्ट से। तो क्वेश्चन आएगा सिटवे पोर्ट कहां का है, तो आपको ध्यान में रखना है म्यांमार। अब एक प्रोजेक्ट का नाम लिखो, ये प्रोजेक्ट है कालादान, KALADN कालादान, मल्टी मॉडल ट्रांजिट कालादान, ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, KALADN कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। देखिए सिंपल क्वेश्चन बनेगा, कालादान प्रोजेक्ट जो है वो किसके बीच का है, इंडिया और म्यांमार, ठीक है। ये फैक्ट ध्यान में रखना, किस चीज का प्रोजेक्ट है, कि हम लोग जो है वो एक सी रूट बना रहे हैं कि दो पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। क्यों कनेक्ट करेंगे? सामान जो है वहां पर भेजेंगे। क्यों हमें भेजना है म्यांमार तक सामान, म्यांमार के सामान क्यों दे रहे हैं हम लोग? और कुछ अच्छी चीज सोचो कुछ, ठीक है। एक पॉइंट रिलेशन अच्छा बनना है, एक पॉइंट आपने बोला चलो हम व्यापार करेंगे, ठीक है, बट मेन ये चीज नहीं है। चलो ठीक है, आपने बोला कि उसको जो है वो हम लोग वहां पर ड्रॉप कर देंगे, बट इतनी पास में क्यों ड्रॉप करेंगे हम, इंडोनेशिया पे ड्रॉप नहीं करें? सोचो, ये मेन पॉइंट है ही नहीं वैसे तो। मेन पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं, किसी ने चिकन नेक कॉरिडोर का नाम सुना, चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कहां पे? सिक्किम के पास, तीन कंट्रीज कनेक्ट करती हैं। ये छोटा सा एरिया हम लोग को देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल के नजदीक, देखेंगे साइड में आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो नजर आएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन कॉरिडोर, चिकन नेक,
चिकन लेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अब ध्यान सुनना। ठीक है, चिकन लेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्या इशू है यहां पर? मैं अपना ट्रक लेके जा रहा हूँ, नहीं अब सोचो ना, तीन कंट्री के बीच का एक छोटा सा एरिया, मैं अपना ट्रक लेके जाऊंगा, मेरे ट्रक को नहीं खड़ा कर देंगे कि चेकिंग कराओ क्या लेके जा रहे हो? तो मेरे प्रॉपर जो नीड्स का सामान है, डेली नीड्स का यूटिलिटी जो है, वो नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच पाती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो सिटवे पोर्ट है, यहां से हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, अपने नॉर्थ ईस्ट तक सामान पहुंचाएंगे बेसिक नीड का, तो इसलिए हमने ये बनाया, राइट? तो ये फैक्ट ध्यान में रखो। क्वेश्चन आएगा कि ये कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो हम लोग को म्यांमार पे अपना सामान रखवा के नॉर्थ ईस्ट एरिया तक जो है वो लेकर जाना है, पूरे नॉर्थ ईस्ट। ये देखो यहाँ पे म्यांमार आपको दिखाई दे रहा है, ये म्यांमार है, यहां से हम लोग ऊपर लेके चलेंगे समझे? हीट इंडेक्स आजकल हो रहा है ना, ये क्या बोल रहा है सलमान खान भाई, सिर्फ एक घंटे के लिए धूप में बाहर घूम गया है। तो हीट इंडेक्स हम लोग जो है वो तैयार करेंगे बहुत ही जल्दी। क्यों तैयार करना हीट इंडेक्स, सोचो क्या हो गया इंडिया को अचानक से हीट इंडेक्स की बात करने लगा? गर्मी नहीं बढ़ गई बहुत ज्यादा? गर्मी बढ़ने के कारण लोगों की मौत हो जाती है क्या? बहुत ज्यादा आंकड़ा बढ़ गया है। हीट स्ट्रोक नाम सुना होगा, राइट? हीट वेव्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हमारी कंट्री में मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां पर रहती है? गांव क्षेत्रों में मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है 60-69%, राइट? अब ये मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव क्षेत्रों का जो ऑक्यूपेशन है, व्यापार है, वो मेन व्यापार क्या है? खेती, एग्रीकल्चर। क्या छाव में खेती होती है? नहीं, है ना, धूप में हो रही है। एंड इसके कारण क्या हो रहा है? लोगों के वर्किंग डेज कम हो रहे हैं। क्या हो रहा है? वर्किंग डेज कम हो रहे हैं, दैट मींस लोगों की इनकम पर इफेक्ट पड़ रहा है। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, तो उस रिलेशन को अपन को कनेक्ट करना है, राइट? लोगों की इनकम जो हो रही है वो कम हो रही है, डेथ हो रही है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, चक्कर खा के जो है वो गिर जा रहे हैं, लोग का ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है वो जा रहा है, राइट? सो इस कारण हम लोग हीट इंडेक्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं, राइट? जिससे कि हमें पता लग सके कि किस किस पर्टिकुलर एरिया पर कितना हीट जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, तभी तो आप बचा पाओगे, राइट? जनता को, पॉपुलेशन को। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी कंट्री जो है उसमें पुअर लोग सबसे ज्यादा है, इनको ऑक्यूपेशन क्या है? लेबर क्लास, लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते हैं बाहर धूप में, राइट? तो जहां पर भी हीट वेव हो रहा है, तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए, यार यहाँ पर ये स्थिति खराब है, तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं तो उनको वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो मिल सके एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट? दैट्स व्हाई। अब देखो, बास्टील बोलते हैं, इसको बोलते हैं बास्टील, BASTEL इसको प्रोनाउंस करते हैं, बास्टील जो बोलेंगे अपन, ये बास्टील है। क्वेश्चन बनेगा, ये बास्टील डे, अभी कोई उन्होंने प्रपोजल नहीं दिया, बट बहुत जल्दी कर देंगे ये लोग, लाइक विद इन 12 मंथ्स ये आ जाएगा। ये जिसे इंडेक्स होता ना, ये बताएंगे कि कौन सी सिटी में कितना हीट का लेवल जो है वो ज्यादा है। तो ये एक लोकेशन स्पेसिफिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपकी सिटी में हीट वेव जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, तो आप इसे इंडेक्स के थ्रू जो है वहां पर रेगुलेट करने की कोशिश करोगे। जैसे स्प्रिंकल्स वगैरह लेकर आओगे, जैसे पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग लेकर नहीं आते, स्प्रिंकल स्प्रेज वगैरह जो है वो कंडक्ट करते हैं, तो वहां पर उस चीज को मैनेज करने के लिए आप जो है वो काम करोगे। अच्छा, हीट जो बढ़ती है वो किसके कारण बनती है? कंस्ट्रक्शन के कारण। तो आप ट्राई करोगे कि आपकी सिटी के अंदर कंस्ट्रक्शन इस प्रकार का हो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, राइट? फ्रांस बेस्टाइल डे या बास्टील बोलते हैं इसको, बास्टील। तो क्वेश्चन ये बनेगा, बास्टील डे जो है वो किसका है? फ्रांस का। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर दिवस पर फ्रांस ने इंडिया को जो है इनवाइट किया और इंडिया को सम्मानित किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनको जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया। ये चीज आपके वनडे एग्जामिनेशन में आएगी डायरेक्ट। बास्टील डे फ्रांस, ये अभी
14 जुलाई मैं आपको प्रोवाइड नहीं, यहाँ पर जो हमारी जितनी भी न्यूज है ये हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके एडिटोरियल की पूरी चीजें मैं यहाँ पर आपकी कवर अप करवाऊंगा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। आपको इसके अलावा और कहीं नहीं पढ़ना, मैं आपको उसके अलग से पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड कराऊंगा विद इन मंडे। हाँ नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया बकवास न्यूज पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल, क्योंकि द हिंदू के एडिटोरियल जो है ना वो एंटी गवर्नमेंट है काफी ज्यादा, और आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करो, हमेशा ही एंटी रहोगे तो एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, तो ये चीज है एक। अब देखो ये बास्टील जो है ये किस चीज के लिए फेमस है, एक फोर्ट था, एक किला था, इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको बड़ा पता होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ना ही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये लिख लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिवाइज करना, बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। तो ये जब ये इन्होंने गिराया तो दैट मीन्स कि ये बेसिकली एक फोर्ट किला हुआ करता था, जहां पर जो रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी वो लोगों को ऑपरेशन करती थी, मतलब मारा पीटा करती थी राइट। तो उस यहाँ के जो कॉमन लोग थे, उन्होंने, कॉमन मैन ने इस चीज को जो है वो गिराया, और लुई 16 था उस समय, बहुत बढ़िया स्टोरी थी, लुई 16 का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा खराब हो गया था राइट। तो पढ़ेंगे उसके बारे में, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत ही बोला जाता है कि इसी से जो है वो होना शुरू हो जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन। वैसे तो वर्ल्ड ट्रेड से शुरुआत होती है, हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड से पूरी चीजों को जो है वो कैप्चर करेंगे कि क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। कुछ नहीं था, अमेरिकन रेवोल्यूशन में लुई 16 ने बहुत ज्यादा दान कर दिया था भाई, तुम्हारे पास मतलब खुद ही के पास पैसे नहीं और तुम दूसरों को उधार देते रहोगे तो एक ना एक दिन जो है वो तुम्हारे हुआ, इसके साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन वी विल गोइंग टू डिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट। बस आप ध्यान रखो, बास्टील डे जो है वो फ्रांस के लिए बनाया जाता है, नेशनल डे ऑफ फ्रांस है ये, नेशनल डे ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है आपका, नहीं दो टॉपिक्स बस और है, छोटे छोटे हैं। ये देखो मृदंगम, आपसे वनडे एग्जामिनेशन में जो है इनका नाम पूछा जा सकता है, कराई कुड़ी मानी। तो ये किस चीज से एसोसिएटेड है, मृदंगम से एसोसिएटेड है। तो ये मृदंगम ये दिख रहा है आपको, ये साउथ का जो है वो एक वो है इंस्ट्रूमेंट, साउथ में बजाया जाता है। ठीक है, मृदंगम, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, इनसे रिलेटेड आएगा, ये बुक से रिलेटेड। हाँ, काला कराई कुड़ी मानी, MANI, ये मणि बोलते हैं इनको, मणि, साउथ का ये इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन ये बन सकता है, मृदंगम इंस्ट्रूमेंट का है, साउथ का है। ठीक, कर्नाटिक म्यूजिक में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये बुक का नाम याद रखो क्योंकि आपसे बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ये बुक का नाम लिखना, माई लाइफ एज अ कॉमरेड, हेल्प कर रहा बेसिकली कॉमरेड। हाँ हाँ, नहीं वैसे तो आर्मी सोल्जर्स के लिए यूज किया जाता था ये वाला, जो सोल्जर ऑफ ड्यूटी, कॉमरेड, माई लाइफ एज अ कॉमरेड। तो ये किताब जो है वो किनकी है, के शैलजा, बस ये चीज ध्यान में रखो, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है केरला की, इनकी एक किताब जो है वो रिलीज हुई है, क्योंकि आपके SSC बैंक वगैरह में ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इवन PSC भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल 12:30 बजे क्लास रहेगी, फॉर्मर मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर केरला की, यू नो इनकी बुक आई है, लिखा हुआ है यहाँ पर, वैसे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसके नोट्स वगैरह भी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स।